दोस्तों आप सब ये तो जानते ही है कि दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर की है। पर दोस्तों आप सब ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये बात कुछ ही सालों के लिए सही है, क्योंकि अब इस धरती पर एक ऐसा इमारत बनने जा रहा है जिसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से भी दोगुना होने वाली है। यानी कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर थी, तो इस इमारत की ऊंचाई 1600 मीटर प्लस होने वाली है। दोस्तों दरअसल सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब अपने पड़ोसी देश में इस ऊंची इमारत को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड 2 किलोमीटर ऊंचा मेगा टावर बनाने की योजना बना रहा है। अभी तक ये इमारत वहां के राजधानी रियाद के उत्तरी इलाके में 18 किलोमीटर छोटे क्षेत्र में बनाने की योजना चल रही है। और इस इमारत की खास बात यह है कि यह मेगा टावर बुर्ज खलीफा से एक दो मंजिले नहीं बल्कि 2 गुना ऊंचा बनने वाला है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट से जुड़े ठेकेदारों का ऐसा कहना भी है कि रियाद में बनने वाली इस 2 किलोमीटर ऊंची इमारत को बनाने के लिए करीबन $5 अरब का खर्च आएगा। वैसे तो इस इमारत को बनाने के लिए इन दिनों एक डिजाइन प्रतियोगिता भी चल रही है, और हैरानी की बात तो ये है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को $1 मिलियन की फीस भी जमा करनी पड़ रही है। वैसे दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस इमारत से पहले दुबई किंग मोहम्मद बिन सलमान एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करा रहे हैं। वह देश में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनवा रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह एयरपोर्ट यात्रियों की संख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। इसका निर्माण कार्य 57 किलोमीटर के इलाके में हो रहा है और इसमें 6 रनवे भी होने वाले हैं। एक्सपर्टों का ऐसा कहना है कि सऊदी अरब विजन 2030 पर काम कर भी रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।